इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली साहब मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि पीटीआई से बल्ले का जो निशान है वो लिया जा सकता है, क्या फैसला फिर पीटीआई का होगा? खदशात हमें भी लाहक थे और इसलिए हमने जो पहले ऑर्डर और पहला कंडक्ट देखा इलेक्शन कमीशन के, इसलिए हमें बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इसी की वजह से हमने आज इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और पिटीशन में हमारी सिदा ये थी कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना पास करे इस मामले में, क्योंकि पीटीआई आलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल जो है ना उनको रिप्रेजेंट करती है, और किसी भी पोलिटिकल पार्टी का की आइडेंटिटी जो है ये उसकी निशानी है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अब नहीं लिया जाए। बैलेट पेपर पर अगर बल्ला ना हुआ तो बायकॉट का फैसला हो सकता है? नहीं, बल्ले पे देखो, बैलेट पेपर पे इंशाल्लाह ताला बल्ला होगा और बल्ला हमारा ही होगा, लेकिन अगर कोई साजिश करता है तो पीटीआई के कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम बायकॉट करें। हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के हकों की तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं। पीपीपी की जानिब से अब भी ये दावा किए जा रहे हैं कि पीटीआई संभालने के लिए कोई नहीं था तो जियाला ही मिल गए। देखो, ये तो उनकी है कि ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपने बेटे और बेटियों को पास आन करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी में था 2003 से 2009 तक, वलायर मूवमेंट पे मैंने रिज़ाइन कर दिया था। 2008 का इलेक्शन मैंने लड़ा था, मैंने कहा 410 वोट से मैं हार चुका था, लेकिन लॉयर मूवमेंट के प्रिंसिपल बेस पे मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद मेरा ताल्लुक नहीं रहा। काम वर्कर को करके मिसाल कायम की कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, ख़ानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए तो डेमोक्रेटिक ऐसी प्रोसेस होने चाहिए। ये तो अपने बेटे के अलावा किसी को इंटरटेन नहीं करते, किसी वर्कर का क्या सोच है? इलेक्शन का शेड्यूल अगर जारी होता है तो किस हलके से आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, पार्टी फैसला करेगी, बड़ा भी इरादा है, इन 8 से इंशाल्लाह बुनियर से इलेक्शन लड़ूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पीटीआई चेयरमैन की बातें सुनी तो इनका यही कहना है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ही मिलेगा और किसी सूरत भी पीटीआई इलेक्शन से जो है वो बायकॉट का फैसला नहीं करेगी।